हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत बहुत यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ। और आज मैं एक पनीर की रेसिपी, पनीर भुर्जी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल में यहाँ पे बताऊँगी। अगर आपने इस तरह से अगर एक बार आपने बना लिया तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको आप पराठे के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है इसको। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखा था, कढ़ाई में ऑयल डाला था मैंने 2 से 3 चम्मच। उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए ऑनियन और चिली और जिंजर, और आप चाहें तो यहाँ पे गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद हम इसको में एक शिमला मिर्च कटा हुआ डालेंगे। इससे क्या है कि स्वाद भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद इसको भी हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हम भुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 टोमेटोस लेंगे और उसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे और उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम पका लेंगे, गलने तक पका लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने मसाला ऐड किया है, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला। तो ये सारे मसाले डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से भूनना है हमको। तो यहाँ पे देखिए मैं भून रही हूँ और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है यहाँ पे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो वहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मसाला भून चुका है। अब हम यहाँ पर पनीर ऐड कर देंगे। जो पनीर हमने पहले से बना के रखा था वो हमने, ये होममेड पनीर मैंने बनाया था, ये स्पेशली पनीर भुर्जी के लिए ही मैंने बनाया था घर पे ही। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पुष्पिता किचन पे है, आप सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी पनीर बनाने की, किस तरह से हम घर पर पनीर बना सकते हैं। क्योंकि हमें पनीर भुर्जी बनाना था तो इसको मैंने जमाया नहीं था, इसको बस मैंने करके और रख दिया था। यहाँ पे देखिए एकदम बढ़िया से पक चुकी है सब्ज़ी और देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। और ये पनीर भुर्जी बहुत झटपट बन जाती है और खाने में लाजवाब होती है। मेरे चैनल पे पनीर की बहुत सारी रेसिपी आपको मिलेगी, बहुत टाइप के पनीर की रेसिपी। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये पनीर भुर्जी की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके। इस पनीर भुर्जी को आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इस तरह से खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो, और ताकि आप बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान